नमस्कार, मैं युगल शर्मा हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर एक्सपर्ट शो। कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज या तो बंद किए जा चुके हैं या फिर काफ़ी प्रतिबंधों के साथ खुले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 24 घंटे के भीतर आर्थिक राजधानी मुंबई में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। महामारी से 31 लोगों ने जान गंवाई है। इसी के साथ ही मुंबई में कुल कोरोना मामलों की संख्या 4,72,332 हो गई है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,548 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इसी दौरान 2,936 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 15 लोगों की मृत्यु हुई है। कुल मामले 6,79,962 हैं। ऐसे ही कई राज्य कोरोना की चपेट में हैं। आइए आपको बताते हैं कि कहां कहां लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हाल ही में इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने की योजना से इनकार किया है। राजधानी में शादियां, श्राद्ध व अन्य समारोहों के लिए गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के हालत बेहद खराब हैं। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 के करीब कोरोना के नए मामलों की रिपोर्ट आ रही है। देश के कुल नए मामलों में 50% से ज़्यादा केवल महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उद्धव सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। हालांकि उद्धव सरकार पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर कोरोना से हालात ज़्यादा बदतर हुए तो शायद राज्य सरकार के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। गुजरात सरकार ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। वहीं कोरोना के प्रकोप को कम करने के मद्देनज़र कदम उठाते हुए शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया है और इसे 100 के फिगर पर ले आए हैं। यानी किसी शादी समारोह में इससे ज़्यादा मेहमान नहीं जुट सकेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बयान देते हुए कहा है कि कल से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच राज्य के 20 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा और शादियों में 20 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं राज्य में होने वाले भव्य आयोजनों को भी 30 अप्रैल तक रोक लगा दी है और 30 अप्रैल तक राज्य के सभी कार्यालय शनिवार को बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित जिले इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 7 दिन में एक दिन रविवार को लॉकडाउन लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार 23 मार्च से संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है ताकि लोग मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करें। चौहान ने आगे कहा है कि इस दिन हर जिले में सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक सायरन बजाया जाएगा और लोगों को 2 मिनट रुकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का संकल्प लिया जाएगा। पंजाब में हर दिन 2500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य सरकार में कोरोना की स्थिति पर चिंता जताई है। केंद्र की हाई लेवल टीमों को भी मॉनिटरिंग के लिए राज्य के दौरे पर भेजा जा चुका है। राज्य के 11 जिलों में 10 अप्रैल से पहले नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य के साथ केंद्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में कोरोना प्रभावित जिलों में हाई लेवल टीम भेजने का फैसला किया है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 7,000 से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए थे। राज्य में दुर्ग, गजानंदगांव आदि इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार ने संक्रमण को काबू करने के लिए 6 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री संग 8 अप्रैल को होने वाली बैठक के बाद हिमाचल में नाइट कर्फ्यू पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री से देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावना पर विचार किया जाएगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेशों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रवक्ता ने बताया है कि नाइट कर्फ्यू बुधवार से लागू होगा। चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी सिंह बदनौर ने पुलिस को नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा सरकार ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 573 नए मामले सामने आने के बाद 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। अधिकारी ने बताया है कि सुंदरगढ़, बदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बालीगुर, बलांगीर, नौपहाड़ा, कल्लाहाड़ी, मलकानगिरी, कोराटपुर और नंबरंगपुर जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने योगी सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावना तलाशने को कहा है। बाकी आपको बताए कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, तो हाथों को धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, मास्क लगाइए और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। ख्याल रखिए अपना भी, अपनों का भी, और देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।